जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील थाना मंडी की पंचायत भरोट से ताल्लुक रखने वाले आमाज अब्बास सिद्दीकी ने अपनी सलाहियत दिखाते हुए मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला पेन तैयार किया है। 6 साल की उम्र में आमाज ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौमी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया था। 3 साल लगातार इस बच्चे ने कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के बाद मुतअद्दिद अवार्ड हासिल किए। कोरोना लॉकडाउन में आमाज ने घर बैठे मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला कलम यानी पेन तैयार किया, जिससे आप कोई भी टच फोन आसानी के साथ चला सकते हैं। ये पेन सिर्फ टच मोबाइल फोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप मोबाइल फोन की सारी एप्लीकेशंस को बआसानी चला सकते हैं। और आज मैं आपके लिए एक नई जो चीज़ है वो मैं लेके आया हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक पेन। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन इसको COVID-19 के दौर में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे जो मोबाइल्स हैं वो जब हम कोई भी डॉक्टर कोई भी मोबाइल को यूज़ करते थे तो ग्लव्स पहन के मोबाइल को यूज़ करते थे, तो उससे मोबाइल की टच स्क्रीन चलती नहीं थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेन जो है तैयार किया है। आमाज के वालिद अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि वो अपने बच्चे पर फख्र महसूस करते हैं जो इस उम्र में ऐसे काम कर रहा है। उन्होंने कहा बच्चों को उनके पसंद के काम करने देना चाहिए और इन पर बंदिश आयद ना की जाए, ताकि वो खुले जहन से अपनी पसंद के काम कर सकें। राजौरी से मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट।